मतलब अच्छा अच्छा यदि ससुराल मिले तो हमारी बेटी का भाग्य और बुरा मिल जाए तो नाई ब्राह्मण पहले नाई ब्राह्मण रिश्ता किया करते थे बोले इन्होंने ऐसा घर ढूंढा तो ये तो गलत है अच्छा हो तो हमारी के भाग्य थे उसमें क्रेडिट नहीं देते हैं उनको कि उन्होंने अच्छा ढूंढा तो आपके जो व्यक्तिगत जीवन के जो निर्णय हैं और खास करके इस राह पे जाना है कि इस राह पे जाना है ये आपका अपना होना चाहिए उसमें आप दूसरे से ना पूछें कि मैंने गलत किया या ठीक किया मुझे कौन से किया माननी चाहिए थी इसका निर्णय मेरा उत्तर ठीक नहीं हो सकता है आपका अपना उत्तर ही ठीक होगा आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत किया आपको माता पिता का कहना मानना चाहिए था और आध्यात्मिक मार्ग पे आप बहुत आगे बढ़ गए तो आपने बिल्कुल ठीक किया कोई पाप नहीं लगेगा आपने तो शादी भी नहीं की आप तो ब्रह्मचारी नहीं हो या तो ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने पत्नी को भी छोड़ दिया, भी छोड़ दिया फिर भी उनको कोई पाप नहीं लगेगा महात्मा बुद्ध छोड़ के चले गए पत्नी को पुत्र को राजधानी को तो उन्होंने राज्य को नहीं संभाला कोई पाप नहीं लगेगा उनको बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि उनके अंदर वो दृढ़ निश्चय था कि इधर मेरा कल्याण नहीं होने वाला है इधर होने वाला है इसलिए एक तरफ एक बार सोचा और बस चले गए मृणालिनी छोड़ दिया दूसरे से पूछने के नहीं होते हैं कि जी मैं किसकी बात मानूं माता पिता तो चाहते थे कि ये ना चलें इस रास्ते पे लेकिन कुछ लोग जो मेरे आदर्श थे वो मुझे लगा कि इनको देख करके अगर आप किसी आदर्श की श्रेष्ठता को देख के इस मार्ग पे आए हैं तो आपके लिए कठिन हो सकता है ये मार्ग और यदि आप अपने प्यास से आए हैं आपको कोई किसी आकर्षण ने आकर्षित नहीं किया तो आप इस रास्ते के ऊपर बिल्कुल शिखर पे पहुंच सकते हैं चाहे आप पढ़ाई में कमजोर हो चाहे आप शरीर से कमजोर हो कितनी भी त्रुटियां क्यों ना हो यदि संकल्प आपका अपना है अंदर की प्यास है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है फिर ये बात है ठीक है चलो आगे चलिए तो जब इन्होंने श्री राम ने उनको अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए उनको चुप कर दिया तो अब आगे भरत जी क्या कहते हैं और श्री राम जी क्या कहते हैं वो इसमें पढ़ते हैं ततः पुरुषसिंहानां वृतानां तैः सुहृद्गणैः शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृद्व्रताः मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा रामम् उपागमन् तूष्णीं ते समुपासीना न कश्चित्किञ्चिदब्रवीत् भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनम् सान्त्विता माता दत्तं राज्यमिदं मम तद्ददामि तवैवाहं भुङ्क्षस्वराज्यमङ्कटम् अकंटक गति खर इवाश्वस्य से पतत्रिण अगं न शक्तिर्मे गति तव महीपते तो जब उन्होंने ऐसे कह दिया कि भाई मैं वलकल वस्त्र पहन करके यहाँ वन में निवास करूँगा और आप जा कर के राज्य सिंहासन को संभालो यही हमारे दोनों के लिए माता पिता का आदेश है ततः तईहि सुहृद गणैहि वृतानाम पुरुष सिंघानाम तो इसके बाद सुहृद गणै तईहि क्योंकि सब लोग भी तो आसपास बैठे थे ना तो उन सब सुहृद गणों से घिरे हुए वृताना ये सारे भाई बैठे थे तीनों चारों भाई बैठे थे अपने सुहृद जनों से घिरे हुए तो ततः सुहृद गणई तय ही व्रता पुरुष सिंहानोचता में रजनी दुखे न तो यही चिंतन करते हुए भरत जी कह रहे हैं चलो श्री राम उनको बता रहे हैं कि ये धर्म या मुझे अलाउ नहीं करता है व्रत का खंडन करना तो ऐसे ऐसे ही बात करते हुए शोक करते हुए वो रजनी तो व्यतीत हो गई रात बीत गई पूरी रजन्याम सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृद्रता कृत्वा जप्यम करम तो रा, रात्रि बीतने के बाद रजन्याम सुप्रभातायाम तो जैसे ही प्रभात काल हुआ उषा काल हुआ ते भ्रातरः सुहृद तो जिनके अच्छे व्रत हैं ऐसे वे तीनों भाई ते मंदा किन्याम होतम जप्यम मंदाकिनी में गंगा में जप किया और होतम यजन किया गंगा में मतलब गंगा के किनारे तो सप्तमी है ना यहाँ मंदा न्याम गंगायाम घोष जैसे है जैसे गंगा में उसकी झोपड़ी है मतलब गंगा के किनारे है तो ऐसे ही यहाँ भी है मंदा किन्याम होतम्मा ने नदी के किनारे गंगा नदी के किनारे उन्होंने यजन किया जप्यम कृतवा जप किया तो इससे पता लगता है कि ये वैदिक धर्म के उपासक थे क्योंकि ये हमेशा जप करते हैं संध्या करते हैं यजन करते हैं ऐसा ही रामायण में आता है हर जगह और कैसी भी परिस्थिति में उसको छोड़ते नहीं हैं ये भी है तो ऐसे हमने श्री राम के भी वन में जाते हुए देखा जहाँ संध्या होती है तो वो संध्या करते हैं जप करते हैं और यदि सामग्री आदि उपलब्ध है तो यजन करते हैं अब ये तो राजे हैं तो सब लेके गए होंगे अपने साथ और ये सब अपनी दिनचर्या करने के बाद रामम उपागमन फिर राम के पास आई अब रात्रि में इतनी देर हो गई थी चर्चा करते समय तो ये नहीं सोचा कि जी थोड़ा तो सो लेते हैं अब दो चार घंटा तो आज आज का यज्ञ नहीं होगा तो चलेगा एक दिन तो छुट्टी मार ही लेते हैं ऐसे नहीं सोचा इन्होंने दिनचर्या अपनी अच्छा ये जो ऐसे ऐसे जो व्रत होते हैं ना तो कई बार करते समय व्यक्ति को लगता है कि भाई एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा ये सच है कि मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी हानि उस दिन स्थूल रूप से नहीं दिखेगी लेकिन संस्कार की हानि काफी बड़ी हो जाती है और किसी को कहें कि भाई ये व्यक्ति तो बिल्कुल ना ऐसे दुराग्रही है कि ऐसे होना ही चाहिए तो इतना ज्यादा उससे क्या होगा तो वो ठीक है कि उतना ज्यादा स्टिकनेस से कोई बहुत आपको परिवर्तन नहीं दिखेगा लेकिन इस संस्कार से बहुत उसके जीवन में वो उत्थान और सोपान चढ़ सकता है ये संस्कार काम करते ना एक बार हमने तोड़ा तो टूटने का संस्कार बन जाता है फिर तो इसलिए कुछ लोग ऐसे मतलब दृढ़ता से कुछ अनुष्ठानों को पकड़ के रखते हैं सूर्य को रोजाना जल देना है तो देना है फिर जिस दिन सूर्य नहीं दिखाई देगा बादल होंगे उस दिन वो खाना नहीं खाएंगे फिर। और यदि शाम को पांच बजे दिखाई दिया तो पांच बजे ही जल देके खाना खाएंगे अब कोई व्यक्ति उनको अंधविश्वासी या उनको मूड कह करके उनकी हंसी उड़ा सकता है और ये सच है कि भाई सूर्य उनके एक लोटे के जल के भूखे नहीं है ऐसे लोग हेतु भी देते हैं सूर्य तो नहीं है पर ये ये जो इस व्यक्ति का संस्कार है दृढ़ता का ये इसको बहुत आगे ले जा सकता है महाराज जी का एक संस्कार ही तो है कि एक दिन भी योग किए बिना योग में मिस नहीं होगा कहीं भी रहे देश में रहें विदेश में रहे दुनिया में रहे फ्लाइट में रहे मान लो अमेरिका जा रहे हैं फ्लाइट में है तो महाराज जी फ्लाइट में भी करते हैं उस टाइम पे वही अपना चार बजे उठेंगे अपनी दिनचर्या करके कपाल भाती कर लेंगे कुछ थोड़ा जितना कर सकते हैं उतना कर लेंगे लेकिन करना जरूर है ऐसे कुछ लोगों का अग्निहोत्र का होता है कुछ लोगों का संध्या का होता है किसी का गायत्री मंत्र का होता है कोई गाय को रोटी देता कुछ भी हो तो कोई ना कोई चीज तो व्यक्ति को ऐसे पकड़ के रखनी चाहिए जरूर तो वो संस्कार बनते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं फिर तो खैर इन्होंने भी इनका नियम है या तो संध्या या तो हवन तो ये जरूर करते हैं सारे भाई तो इन्होंने भी ऐसे ही यद्यपि सारी रात्रि ऐसे ही सोच विचार में दुख पूर्वक बीत गई लेकिन तो भी सुबह अपनी दिनचर्या में कोई विकल्प नहीं है सुबह उन्होंने जप भी किया यज्ञ भी किया और उसके बाद श्री राम के पास आई तूषणिम ते समीना न किंचित अब्रवीत भरतस्तु सुहृद मध्य रामम वचनम अब्रवीत ते तूष्णिम समुपासीना और वहां से यजन करके सब आकर के चुपचाप श्री राम के पास बैठ गए। कश्चित किंचित न अब्रवीत कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा था वैसे भी ध्यान उपासना आदि के बाद थोड़ी देर बोलने की इच्छा नहीं होती अंत वृत्ति हो जाती है ना तो ज्यादा चक चक करते हैं हम बाह्य वृत्ति होती है तभी और ये सही है यजन आदि करने के बाद संध्या आदि करने के बाद व्यक्ति को एक दो घंटा उसको आगे बढ़ाना चाहिए उस उपासना को बहुत जरूरी हो तो धीरे से बोलना चाहिए वरना तो मौन ही रहना चाहिए फिर तो उसका अभ्यास हो जाते हैं ना जिस तरफ व्यक्ति ध्यान देगा वो कार्य होने लगेंगे आपको कहा कि आप एक ही आसन में बैठो तो एक एक घंटा बैठ गए और यदि इधर ध्यान नहीं दें तो व्यक्ति पांच पांच मिनट में भी आसन बदल लेगा तो जिधर ध्यान देते हैं तो वो काम होने लगते हैं फिर तो ये सब सम उनके नजदीक आकर के सब चुप बैठ गए शांत बैठ गए न कश्चित कि, किसी ने कुछ नहीं बोला तो भी श्री भरत जी ही मौन तोड़ रहे हैं भरतस्तु सुहृ मध्य सुहृत मध्य अपने जो सुहृत थे घर परिवार के जो लोग थे उस उन सब के बीच में भरत जी ने ही श्री राम को ये वचन कहे उन्होंने ही मौन तोड़ा उन्होंने कहा सांत्विता मामिका माता दत्तम राज्य ममा तदा तव उन्होंने कहा कि सांत्विता मामिका माता इदम राज्यम दत्तम मेरी माता को शांत करने के लिए पहले ये राज्य मेरी माताजी को दिया गया पिताजी के द्वारा और माताजी ने दत्तम ममा मेरे को दिया लेकिन अब मैं तद ददामी तवैव अब वो राज्य में आपको ही समर्पित करता हूं आपको ही समर्पित करता हूं मतलब आपका ही अधिकार था राज्य था ही आपका तद ददामी दा, तवैव अहम इसलिए अकंटकम राज्यम भुंगस्व भुक्श इस निष्कंटक राज्य का आप ही भोग करें क्योंकि इस ऊपर आपका ही अधिकार है गतिम खर इवाश्वस्य तार्क्षस्येव पतत्रणः अनुगंतुम् न शक्तिर्मे गतिम् तव महीपते तो यहाँ कुछ हीन उपमा दे करके भरत जी अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं और श्री राम का गौरव प्रदर्शित कर रहे हैं एक बड़प्पन दिखा रहे हैं अपने बड़े भाई का कह रहे हैं जैसे अश्वस्य गतिम खर न अनुगंतुम शक्नोति घोड़े की गति को गधा कभी प्राप्त नहीं कर सकता है गधे की अपनी एक सामान्य गति होती है घोड़े की अपनी तीव्र गति होती है और ऐसे ही तार्कस्य तार्कस्य इव पतत्रण कोई सामान्य पक्षी जो है वो गरुड़ की होड़ नहीं कर सकता है गरुड़ तो बहुत फास्ट चलता है ना भगवान विष्णु का वो है वाहन तो बहुत तेज गति से चलता है तो कोई सामान्य पक्षी गरुड़ की गति को प्राप्त नहीं कर सकता है कोई गधा घोड़े की गति को प्राप्त नहीं कर सकता है ऐसे ही मैं हे महीपते तव गतिम अनुगंतुम न शक् अनुगंतुम न मे शक्ति ऐसे ही आपकी गति की बराबरी कर सकूं होड़ कर सकूं प्राप्त कर सकूं ऐसी मेरे पास शक्ति नहीं है ये इतना बड़ा राज्य है इसको केवल आप ही चला सकते हैं मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है और ऐसा नहीं है कि भरत जी के अंदर सामर्थ्य नहीं है सामर्थ्य तो बहुत है और उन्होंने उस सामर्थ्य को दिखाया भी चौदह वर्ष तक भाई ऐसे थोड़ी ही है कि उन्होंने राज्य को फिर ऐसे ही छोड़ दिया उजड़ने के लिए ऐसे ऐसे नहीं छोड़ा बिल्कुल सुव्यवस्थित चला है लेकिन चीजें सुव्यवस्थित भी तपस्या से ही चलती हैं किसी घर में किसी संस्थान में यदि कहीं लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश कोई सुनता ही नहीं है आपाधापी तो निश्चित रूप से वहां पर तपस्या की कमी होगी और खास करके जो उसका मुखिया है तो उसको ठीक करने के लिए मुखिया व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए तो उससे फिर अपने आप चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो, उसका है तो भरत जी श्री राम जी सारे भाई तपस्या में लगे हैं तो इसलिए चौदह वर्ष राज्य बिल्कुल स्मूथली चला कोई दिक्कत नहीं आई तो राज्य चलाना जानते हैं ये लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई के सामने ये अपनी अक्षमता प्रकट कर रहे हैं तस्य साद्वित्यमन्यन्त नागरा विविधा जनाः भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचत तमेवं दुःखितं प्रेक्ष विलपन्तं यशस्विनं रामः कृतात्मा भरतं समाश्वास नात्मन नात्मनकामकारोऽस्ति पुरुषोऽयं मनीश्वरः इतरश्चेतरश्चैनं कृतान्त परिकर्षति सर्वेक्षयान्त निचयाः पतनान्तसमुच्छ्रयाः संयोगाविप्रयोगान्त मरणान्तं च जीवितं यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयम् तो जैसे इन्होंने कहा कि देखो मेरी सामर्थ्य नहीं है कहाँ आप राजा और कहाँ मैं तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई गर्धव किसी अश्व की गति को प्राप्त करना चाहता हो और कोई सामान्य पक्षी गरुड़ की गति को अनुसरण करना चाहे ये ऐसा ही है तो तस्य उनकी इस बात को सुन के विविधा नागरा जनाहा जो अनेक नागरिक भी थे वहां पर अयोध्या निवासी भी थे वो साधु इति बिल्कुल भरत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साधु कह रहे हैं ऐसा मानते हुए जो अनेक ल, लोग थे थे पर प्रजाजन वो भरतस्य श्री भरत जी की इस बात को सुनकर के उन्होंने कहा कि बिल्कुल साधु कह रहे हैं भरत जी ऐसा ही है मान्य राज्य को आप ही संभाल सकते हैं रामम प्रत्यनु याचित उन्होंने भी अपनी तरफ से श्रीराम से वापस लौट चलने की याचना की उन्होंने भी भी मांग की कि आप को चलना चाहिए तो श्री राम वो तो वो पहले भी जानते थे श्री राम कि भाई ये कोई ऐसे बनावटी बात नहीं कर रहे हैं भरत जी तो ये तो हृदय से ही कह रहे हैं तो उनकी दशा को देख करके इनको थोड़ा कष्ट भी होता है तो उनको देख करके तम दुखितं प्रेक्ष प्रेक्ष यशस्वीन रा भरतं समय आत्मान बहुत सुंदर श्लोक है ये इसको निशान लगा सकते हैं श्री राम के जो दो विशेषण है यहाँ पर आत्मवान कृतात्मा बहुत सुंदर विशेषण है ये तम एवं दुखितम प्रेक्ष इस प्रकार उनको भरत जी को दुखी देख करके विपन तम विलाप करते हुए दुखी देख करके यशस्वी नाम बड़े यशस्वी है भरत जी ऐसे अपने यशस्वी भाई को विलाप करता हुआ देख करके दुखी देख करके राम भरतम सम आश्वासयत श्री राम ने भरत जी को आश्वासन दिया कैसे राम ने कृतात्मा राम आत्मवान राम आत्मवान मतलब आत्मा वाला आत्मा वाले तो सभी हैं। इसमें कौन सी नई बात है कि श्री राम के पास आत्मा है तो सबके पास आत्मा होते हुए भी आत्मा मरीसी रहती है या गौण रहती है आत्मा वाले होते हुए भी लो, लोग लोग ज्यादातर शरीरवान होते हैं या तो मन वाले होते हैं या तो लौकिक ऐशना वाले होते हैं ऐष्णावान होते हैं आत्मवान तो कोई बिरला ही होता है तो यहाँ श्री राम आत्मवान है आत्मा के जो गुण हैं उनमें जीते हैं वो ऐष्णाओं में नहीं जीते हैं वो अज्ञान में नहीं जीते हैं शरीर में नहीं जीते हैं नेगेटिव विचारों में नहीं जीते हैं श्री राम इसलिए इनके लिए यहाँ पर आया आत्मवान अपनी आत्मा को केंद्र में रख करके जीते हैं जो आत्मा के निर्णय होते हैं और आत्मा हमेशा ठीक ही निर्णय देती है हर व्यक्ति को लेकिन हम उसके निर्णय नहीं सुन करके उसको साइड में कर देते हैं कि अभी आप इधर रहो और मन की बात को हम सामने रखते हैं और कृतात्मा कृतात्मा मतलब जो आत्मा कृतकृत्य क्रित हो गई जिसको जो करना था इस शरीर को प्राप्त करके वो कर चुकी अर्थात अज्ञान का नाश कर चुकी और विवेक की प्राप्ति कर चुकी तो उसी को कृतकृत्य भी कहा है शास्त्रों में और यहाँ रामायण में उसी के लिए शब्द आया है कृतात्मा कृतात्मा आत्मवान राम भरतम समाश्वास उनको आश्वासन दे रहे हैं कि भाई ऐसे आप दुखी मत हो आप इस परिस्थिति को संभालो मैं आपको दुखी करने के लिए मना कर रहा हूँ ऐसा नहीं है तो आप इस आग्रह के ऊपर मत अड़े रहो कि मेरे को अयोध्या वापस लौटाने से सारे काम सफल हो जाएंगे आपका जीवन सफल हो जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि जीवन सफल करने के लिए अपने आग्रह पूरे नहीं करने होते हैं बल्कि अपने धर्म पूरे करने होते हैं अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं व्यक्ति को ये लगता है ना कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ और ये सब चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए जैसे मैं सोच रहा हूँ और यदि मैं ऐसा करवा लेता हूँ तो वो अपने आप को कृतात्मा समझता है कि मतलब सब कुछ सफल हो गए यदि मैंने अपनी मनमानी किसी दूसरे से करवा ली तो ऐसे हमारे आग्रह होते हैं तो ऐसे ही यद्यपि भरत जी बहुत सात्विक आत्मा है मतलब हम अपने से तो कभी भी तुलना कर ही नहीं सकते हैं भरत जी की तो वो तो बहुत महान आत्मा है लेकिन इस अंश में कभी कभी हम भी ऐसे सोचते हैं कि हम अपने बड़ों से यदि अपनी मन मर्जी करवा लेते हैं कि देखो मैंने अपना आग्रह पूरा करवा लिया तो हमें बड़ी तृप्ति मिलती है कि भाई मैंने देखो अपनी बात मनवा ली तो श्री राम कहते हैं कि इसमें जीवन की सफलता नहीं है इसमें धन्यता नहीं है कि आप अपनी बात मनवा ले धन्यता इसमें है कि आपका जो धर्म था आपका जो कर्तव्य था वो आपने अपने आप को एक कदम पीछे हटा करके भी उसका पालन किया या नहीं किया यदि किया तो जीवन की धन्यता है आपकी बात को नहीं भी माना गया और आपको एक कदम पीछे हटना पड़ा तो भी आपके जीवन की सार्थकता है तो ये आग्रह मत बनाओ मन में कि भाई ये तो मैं करवा करके ही मानूंगा ऐसे आग्रह मत बनाओ तो ये उनको आश्वासन देते हुए आगे का जो उपदेश है हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इससे पता लगता है कि श्री राम वास्तव में ही आत्मवान थे एक निर्लिप्त आत्मा थे वो वास्तव में आगे का उनका जो उपदेश सुनते हैं बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे पहले देखा बहुत अच्छे पुत्र हैं वो भी उससे पहले देखा वन में जाते समय बहुत अच्छे योगी हैं गृहस्थ में रहते हुए एक संत हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आत्मवेत्ता हैं ये इस उपदेश से पता लगेगा तो श्री राम भरत जी को कह रहे हैं कि भाई आप न आत्मन काम कारोस्ती पुरुषो अयम अनिश्वरः इतरश्च इतरश्चैनम कृतांत परिकर्षति कि आप सारी चीजें अपने हाथ में मत लो कि जो आप चाहेंगे वैसे होगा नहीं होता है व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं होता है भगवान जैसे चाहता है और भगवान कैसे चाहता है जैसे हमारे कर्माशय थे वैसे चाहता है भगवान की कोई अपनी इच्छा नहीं है तो हमारा कर्माशय अपना हमें इधर उधर खींचता रहता है तो अपनी तरफ से जितना कर सकते हो वो करो उसके बाद जैसा कर्माशय है उसको वैसा होने दो तो जैसा विधान है तो अपनी तरफ से आपने यहाँ आए आपने याचना की अपना प्रस्ताव रखा ये आपका काम पूरा हो गया अब उसके बाद जैसा आप चाहते थे वैसा ही फल लेकर के वापस लौटे ये जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ चीजें विधि के हाथ में भी होती हैं न आत्मन काम करो ये व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र नहीं है कामकार नहीं है कामकार माने अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाला तो सब कुछ इसके हाथ में नहीं है अयम पुरुष है अनिश्वर ये जो पुरुष है ये अपना ईश्वर नहीं है ईश्वर कोई और है मालिक कोई और है अपने सब कर्मों का और कर्मों के फल का ये स्वामी नहीं है इस जन्म में क्या कर सकता है उसका तो स्वामी है पर पहले जो कर आया है वो तो ये स्वामी नहीं है कि उसको स्किप कर दे या उसका फल भोगे इसकी इच्छा ऐसा नहीं है उस दृष्टि से यहाँ पर अनिश्वर कहा है पुरुषो अयम अनिश्वर है ये अपने आप में ईश्वर नहीं है ईश्वर का मतलब मालिक सब कुछ इसके वश में नहीं है इतरश्च इतरश्च एनम यमराज को कहते हैं कि यमराज जो है वो हमें जीवन और मृत्यु इन दोनों छोर को पकड़ के इधर उधर घसीटते रहते हैं एक बार जीवन इधर ले जाते, है एक बार मृत्यु इधर ले जाती है तो यहाँ कृतांत से मतलब है ईश्वर ब्रह्म या जीवन मृत्यु का जो मालिक है तो उसको आप कुछ भी कहें तो वो हमें इतरश्च इतरश्च एनम आत्मानम परिकर्षति कृतांत है ईश्वर हमें हमारे कर्माशय के अनुसार इधर उधर घसीटता रहता है परिकर्षति तो इसलिए आप ज्यादा दुराग्रह मत करो तो करना क्या है फिर हमें ऐसी स्थिति में वो उपदेश आगे श्री राम दे रहे हैं बहुत ही सुंदर उपदेश है तो आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं ओ... शांति 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 गुरुभ्यो नमः तू ही माता तू ही पिता है तू ही बंधु तू ही सखा है तू ही माता तू ही पिता है तू ही बंधु तू ही सखा है तू ही है करुणा ने सबका स्वामी तू तो अंतर्यामी सब सबका स्वामी तेरे चरणों में कोटि प्रणाम ही दुख प्राता विश्व विधाता तेरी शरण में है हे राम हे राम हे, राम, हे तू ही बंधु तू ही सखा है तू ही है करुणा निधान